वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज बहुत ही चीज़ी सा, बहुत ही इजी सा ये चिकन पिज़्ज़ा बना लेते हैं, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट सा, और हम इसे बनाएंगे कढ़ाई में और सिर्फ 10 से 15 मिनट में ये बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए इसे फटाफट से हम बनाने स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमने कैसे इसको बनाया है। मैंने यहाँ पे चिकन के पीसेस लिए, छोटी छोटी कट कर ली। इसे मैरिनेट करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे डाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच नमक और काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे चाट मसाला, और आधा चम्मच मैंने यहाँ पे डाल दिया टोमेटो सॉस। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारा चिकन जो है रेडी हो चुका है। अब इसे हम थोड़ा सा कुक करेंगे। एक पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे और जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था, सभी चिकन के पीसेस को अपने इस पैन में डाल देंगे। फ्लेम हमारी मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे पहले हमें एक बार अच्छे से इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमें अपनी फ्लेम को स्लो कर देना है। स्लो फ्लेम पे इसे ढक के हम कम से कम 7-8 मिनट पकाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा चिकन अच्छे से पक चुका है, इसका पानी वगैरह अच्छे से सूख चुका है। अब एक मैंने यहाँ पे रेडीमेड पिज़्ज़ा ब्रेड ली है, उसके ऊपर हम लगाएंगे 2 चम्मच भर के पिज़्ज़ा सॉस। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप शेजवान चटनी में टोमेटो केचप डाल के भी उसको लगा सकते हैं, या आप टोमेटो केचप में थोड़ा चिली फ्लेक्स भी डाल के लगा सकते हैं, तब भी इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से स्प्रेड कर दी है ब्रेड के ऊपर, अच्छे से मैंने लगा दी है पिज़्ज़ा सॉस। उसके बाद हम यहाँ पे चीज़ लगाएंगे, यानी कि चीज़ डालेंगे। आप यहाँ पे कोई भी चीज़ ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोज़रेला और चेडर चीज़ का मिक्सचर मेरे पास था, इस तरह से डाइस चीज़ थी मेरे पास, तो मैंने इसे डाल दिया है। अच्छे से हम चीज़ लगाएंगे, चीज़ से ही पिज़्ज़ा का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। मैंने भर भर के चीज़ लगा दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना जो पका हुआ चिकन था उसे अच्छे से असेंबल कर देंगे। चिकन के पीसेस को अच्छे से इसमें हम सजा देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा शिमला मिर्च भी इसके ऊपर डाला है। अगर आपका दिल करे तो डालिए, वरना मत डालिए। लेकिन कुछ फ्रेश आइटम होता है ना, वेजेस वगैरह, तो पिज़्ज़ा में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। जैसे प्याज हो गई, टोमेटो हो गया, शिमला मिर्च हो गया, पार्सली वगैरह, तो इससे बहुत ही अच्छा सा फ्रेशनेस आती है एक। तो उसके बाद फिर से हम थोड़ी सी चीज़ डालेंगे ताकि हमारा पिज़्ज़ा देखने में भी बिल्कुल मार्केट जैसा लगे। ऊपर से भी थोड़ी सी चीज़ डालना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए मैंने अच्छे से कोने कोने तक चीज़ डाल दी है। उसके बाद हमें एक चम्मच यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल देना है ऊपर से। अगर आप चाहें तो बेक करने के बाद भी इसे डाल सकते हैं, लेकिन मैं पहले ही डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से चीज़ के साथ ये मेल्ट हो जाए और अच्छे से फैल जाए पूरे में। अब देखिए हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब इसे हम बेक करेंगे कढ़ाई में। तो इस तरह से देखिए मैंने एक स्टील के प्लेट पे फॉइल पेपर लगा दिया था, उसी को हम रख देंगे अपनी कढ़ाई में और 10 मिनट कढ़ाई को ढक के बेक कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे। इस तरह से देखिए हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट सा, यमी सा, चीज़ी सा चिकन पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। आप देख के ही समझ गए होंगे कि ये कितना सॉफ्ट है। जिस तरह से मैं इसे कट कर रही हूँ, दिखने में भी लग रहा है कि बिल्कुल सॉफ्ट है। अगर आप चाहें तो कढ़ाई में थोड़ा पानी डाल के, अगर आपकी ब्रेड थोड़ी हार्ड हो चुकी है तो कढ़ाई में थोड़ा पानी डालिए, आधा ग्लास या एक कप। उसके बाद अपनी स्टील वाली प्लेट रख दीजिए और पिज़्ज़ा जो है अच्छे से बेक हो जाएगा। 5 मिनट उसे अच्छे से बेक कर लीजिएगा पानी सूखने के बाद भी। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनके रेडी होता है। अल्लाह हाफिज़। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्सअप दें।